गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज है 16 दिसंबर और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज की अपडेट क्या है। इस बार रिट प्रथम लेवल में कम तो द्वितीय लेवल में रहेगी नौकरी की मारामारी ज़्यादा। एक सीट के लिए 10 से 20 बेरोजगारों में होगी नौकरी की टक्कर। दोस्तों, अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट है तो वीडियो को रोककर आराम से पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट की, नहीं होगी न्यूनतम अंकों की बाध्यता। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरएस 2022 कार्मिक विभाग में अटका जवाब, अधिसूचना का इंतजार। शिक्षक भर्ती में 48,000 पद, टीएसपी की झोली में सिर्फ 6,018 पद। नॉन टीएसपी के शिक्षकों के तबादले नहीं होने का बड़ा असर। बच्चों की संख्या 874, 6 पद रिक्त। पार्क विद्यालय अभिभावक व बच्चे परेशान, नहीं दे रहे कोई ध्यान। खुला विश्वविद्यालय की परीक्षा तिथियों में बदलाव। आरपीएससी का 17 दिसंबर को जारी होगा एडमिट कार्ड। 21 से 27 दिसंबर तक दो पारियों में होगी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा। रिश्वत के मामले में लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए प्रत्येक सबूत जरूरी नहीं, भ्रष्टाचार कानून। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनाया अहम फैसला। जेई मेन 2023 जनवरी व अप्रैल में होगी परीक्षाएं, आवेदन शुरू। शिक्षा और शोधन की गुणवत्ता में अभी एक कई अड़चने। शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव के बिना संभव नहीं देश में बदलाव। एक बड़ा युवा वर्ग अब भी विदेश जाने का इच्छुक, प्रेमपाल शर्मा। खुशखबरी, निजी स्कूलों की बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण करेगी राज्य सरकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम इंदिरा महिला शक्ति निधि से होगा फीस का पुनर्भरण। अब कक्षा 9 से 12 तक कर सकेंगी आवेदन। बार बार सूचना मांगने के बाद भी डीईओ कर रहे हैं लापरवाही। स्कूलों में शौचालयों की स्थिति को लेकर एक बार फिर भेजा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र। स्कूल में शिक्षक नहीं, पूरे कोर्स भी है अधूरा और आ गई अब अद्वार्षिक परीक्षा। ये आप देख सकते हैं कार्यालय जिला परिषद सीकर के प्रेस विज्ञप्ति है। संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षा 4 जनवरी से 39 केंद्रों पर होगी परीक्षा। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को रोककर आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। 44,000 कतार में महज 7,000 युवाओं को मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता। दावा पूरा, लाभ मिल रहा है अधूरा। 4 साल में 743 को ही मिल सका 9 रोजगार। प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी से होगी प्रारंभ। सीबीएसई कॉपियां परीक्षा सामग्री 19 से भेजेंगे। हाउसिंग बोर्ड में भर्ती की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। 258 पदों पर एग्जाम करवाने के लिए एजेंसी हायर करने की प्रक्रिया शुरू। शिक्षक भर्ती में टीएसपी को कम पद, बेरोजगारों ने की बढ़ाने की मांग। शिक्षक भर्ती 2022 विज्ञप्ति जारी होते ही फैला आक्रोश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सिविल जज के 303 पदों पर आवेदन का मौका। 10 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। शिक्षिका वार्डन समेत कई पदों के लिए निकली भर्ती, 6 जनवरी है अंतिम तिथि। एनपीसीआईएल नर्स फार्मासिस्ट सहित कई पदों पर आवेदन आमंत्रित, 6 जनवरी अंतिम तिथि। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अप्रेटिस के 314 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी। भर्ती फॉर्म में ऑनलाइन संशोधन 23। संरक्षण अधिकारी वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा 2022 लेवल 1 का एक और लेवल 2 के 8 यानी कुल 9 पेपर होंगे। शिक्षक भर्ती हर विषय की अलग अलग परीक्षा, लीक हुआ तो भी एक विषय का ही पेपर रद्द। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग अद्वार्षिक परीक्षा के पेपर में फिर खामी। 10वीं के सामाजिक के पेपर में 2% रिपीट।
परेशानी, प्रश्न पत्रों में खामियों को सिलसिला नहीं थम रहा, छात्र असमंजस में। शिक्षा विभाग में नई और संस्कृति शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की मांग, पहले 50% फिर 25% सीटें बढ़ने का सर्कुलर, 2000 जीएनएम विद्यार्थियों का भविष्य दर्जूल में। टीएसपी में लेवल 1 के एक साल में घटाए 15% पद, अब 1570 पदों पर होगी भर्ती। सहायक रेडियोग्राफर 7, लैब टेक्नीशियन 21 व फार्मासिस्ट के 16 पदों पर होगी भर्ती। 23 दिसंबर तक अभ्यर्थी से लेंगे आवेदन, जनवरी के पहले सप्ताह में मिलेगी पोस्टिंग। परीक्षा आयोजन से पहले ही संरक्षण अधिकारी और वरिष्ठ अध्यापक के आवेदन पत्रों में संशोधन कर सकेंगे अभ्यर्थी। आरपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ग्रेड सेकंड पीटीआई व ग्रेड थर्ड के 67,322 पदों की डीपीसी नहीं, पढ़ाई प्रभावित। शिक्षक साफ कर रहे हैं टॉयलेट, विद्यार्थी स्कूलों में लगाते हैं झाड़ू, बजे सहायक कर्मी ही नहीं। 9 साल बाद सेट रिटर्न एजेंसी, नई पैटर्न आरपीएससी का ही। जनवरी और अप्रैल में होगी परीक्षाएं, एनटीए का नोटिफिकेशन जारी, जेई मेन 2023। बेरोजगारों की 18 मांगों पर बनी सहमति, सफल रही वार्ता। मेडिकल का नया बैच 13 महीने चलेगा, सबसे ज्यादा 220 घंटे ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के लिए शिक्षकों से अधिक जरूरी गैर शैक्षणिक कर्मचारी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट और आज का चर्चा सुविचार, इस दुनिया में वही स्मार्ट है जिसने अपनी परेशानी दूसरों के सामने ना बताकर खुद उस परेशानी का हल निकाला है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।